नमस्कार दोस्तों, आज 8 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसलिए कि हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है BSNL गेट्स 89,047 करोड़ पैकेज फॉर 4G 5G रोल आउट। ये बहुत बड़ी बात है कि BSNL को लगभग 89,000 करोड़ रुपए मिले हैं। क्यों? 4G और 5G रोल आउट करने के लिए। आपने सुना होगा कि अभी जो सिस्टम्स हैं वो आधार इनेबल्ड सिस्टम कर दिया गया है, जैसे PDS में राशन लेने जाओ तो आधार से वो लिंक होगा और नेटवर्क की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। यदि पैन इंडिया में देखें, पूरे भारत में देखें, तो BSNL के अलावा कोई भी ऐसा नेटवर्क नहीं है जो हर जगह पहुंचा हुआ है। हाँ, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं लेकिन नेटवर्क की बात करें तो बहुत ये काम नहीं करते हैं। लेकिन दूर दूर तक आप दूर दराज के इलाकों में जाएं तो BSNL का ही एकमात्र सहारा रह जाता है। तो इसी के कारण से गवर्नमेंट ने 89,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इस पे कहा है कि 4G और 5G रोल आउट करेंगे और ये पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ इससे यह होगा कि अभी कर्मचारियों को जो नौकरी जाने का खतरा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को एक काम और करना चाहिए कि इसे कंपटीशन के लिए तैयार कर देना चाहिए। जो प्राइवेट खिलाड़ी हैं जैसे एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया है, इनके साथ कंपटीशन कर पाए, ये इस लेवल पे इसकी बात करनी चाहिए। तो ये हम साइंस टेक में देखेंगे कि 4G 5G स्पेक्ट्रम खरीदना है। इकोनॉमी की भी बात हो गई कि हम इस तरीके की चीज़ों पर निवेश कर रहे हैं, है ना, सरकारी कंपनी को बढ़ा रहे हैं, तो ये मामला बनता है। तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है गवर्नमेंट हाइक खरीफ MSP, है ना, MSP देखना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो MSP क्या होता है, ये तब आया था जब 1960 के दशक में जब हरित क्रांति आई थी और गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ था, तो किसानों के पास ये समस्या उत्पन्न हो गई थी कि वो कहाँ बेचें, बेचने की जगह नहीं थी। अब यदि वो बेच नहीं पाते एक साल तो अगले साल क्या होता कि वो गेहूं उपजाते ही नहीं, क्योंकि वो बिकती ही नहीं है। तो इसके लिए एक उपाय के तौर पे गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपके सारे गेहूं खरीद लेंगे इतने मूल्य पर, तो वो MSP है और तो ये उसी टाइम से ये चला आ रहा है। तो आपको MSP देखना है। उसके बाद MSP में आपको क्या देखना है कि MSP के जो कोस्ट, मतलब जो मूल्य तय किया जाता है, उसमें कौन कौन से जो कारक हैं वो देखे जाते हैं और किस तरीके से गणना की जाती है। C2 करके गणना है या और भी कई तरीके हैं, तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यह देखना है कि डिमांड मोर क्यों कर रहे हैं, साथ ही साथ किन फसलों के लिए MSP तय की जाती है, ये आपको देखना है। तो जो जो बोल मैंने बोला है वो आपको पॉइंट आउट करके लिख लेना है और ये देखना है आपको, ठीक है। अगली जो न्यूज है वो पेज नंबर 2 पे है, है ना, पेज नंबर 2 पे है। 1 in every 5 स्टूडेंट, 5 US स्टूडेंट वीजा लास्ट ईयर वाज फॉर इंडिया। 5 में से जो एक वीजा दिया गया वो किसको दिया गया, स्टूडेंट वीजा किसको दिया गया, तो भारत के लोगों को। अमेरिका से जो 5 में से 1 वीजा दिया गया ये भारत के लोगों को दिया गया। तो ये संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे क्या कारक हैं और क्या इसके पीछे अमेरिका का थोड़ा ढीला रवैया है या फिर चीन के साथ उसकी दुश्मनी है, इस तरीके की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इससे क्या फ़ायदा होता है भारत को, ये चीज़ें भी देखनी हैं आपको। इसके बाद है पेज नंबर 6 पे, है ना, पेज नंबर 6 पे है सेडिशन इलॉजिकल इक्वेशन ऑफ गवर्नमेंट विथ स्टेट, है ना। सेडिशन का मामला, जो राजद्रोह का मामला है, उसी पे बात की गई है कि गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक तनातनी का भाव जो है उसी पे बात की गई है। सेडिशन क्या है इस पे बात करें देखना है आपको। यहाँ पे लॉ कमीशन की भी बात की गई है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। लॉ कमीशन ने कहा है कि कुछ शर्तों के साथ सेडिशन को रखना चाहिए। इसी पे पूरा ये लेख लिखा गया, तो आप इसे पढ़ेंगे। इसके बाद है ट्रैकलिंग द ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट, है ना। आपने देखा होगा कि अभी हाल के वर्षों में
मानव और कुत्तों के बीच में एक तरीके से बहुत झगड़ा उत्पन्न हो गया है या कुत्ते बहुत ज़्यादा हमला करते रहे, उसी पे ये पूरी पूरा लेख है। आप यदि लगातार क्यों और क्या और क्यों पढ़े सुनते हैं तो आपको ये पहले भी मिल चुका होगा। तो जो कुत्ते अचानक से आक्रामक हो गए हैं उसी के बारे में ये पूरी बात की गई, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो है, हाउ कैन वी ट्रांजिशन टू ए लॉ कार्बन सिटी, है ना, किस तरीके से हम लॉ कार्बन सिटी बना सकते हैं, इसी पे बात की गई है। क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे, इन टू 2020 सिटीज डम्प्ड इन होपिंग 29 ट्रिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, है ना। तो लॉ कार्बन सिटीज हम किस तरीके से बना सकते हैं उसी पे बात की गई है कि कौन कौन सिस्टम लगाएंगे जिससे कार्बन का एमिशन जो है वो बहुत कम होगा, कार्बन प्रदूषण बहुत कम होगा, इसी पे पूरा एक खाका तैयार किया गया है। ये केस स्टडी के लिए बहुत अच्छा है आपके पास, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 12 पर, है ना। पेज नंबर 12 पे जो है, मजगांव डॉक एंड जर्मन फॉर्म स्ट्राइक डील ऑन सबमरीन। सबमरीन के लिए मजगांव डॉकयार्ड है और जर्मन का फॉर्म है, इन्होंने दोनों ने समझौता किया है। यहाँ पे मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड एंड द जर्मन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर थाइसेन कर्प मैरीन सिस्टम्स जो है, ये दोनों मिलकर समझौता किए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सबमरीन बनाने के लिए कौन दे रहा है, तो जर्मनी टेक्नोलॉजी हस्तांतरण करने को राजी हुआ है। ये बहुत अच्छी न्यूज है रक्षा क्षेत्र के लिए। इसके बाद है दोस्तों, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, पेज नंबर 13 पे ही है। पेज नंबर 13 पे है, 1000 फ्लीज होम आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेनियन डैम। यूक्रेन के एक डैम को उड़ा दिया गया है और इससे जो है खोरासान राज्य में बहुत ज़्यादा तबाही आ चुकी है। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि पूरा का पूरा डूब गया है और ऐसे बहुत सारे शहर छोटे छोटे जो हैं या छोटी छोटी बस्तियां हैं जो बिल्कुल डूब चुकी हैं। इसी पे पूरी बात की गई है कि इस तरीके की जो घटना है, यूएन ने इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला माना है यूक्रेन पर, यदि रूस ने यह किया है तो, रूस कहता है ये यूक्रेन ने किया, यूक्रेन कहता है ये रूस ने किया है, दोनों में अभी ये नहीं पता चला कि किसने किया है, ठीक है। लेकिन जिसने भी किया है ये आतंकवादी घटना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों का, या लाखों लोगों का ना भी कहें तो हजारों लोगों का जीवन सीधे सीधे प्रभावित है, साथ ही साथ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होगा जिसको फुलफिल करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद है अगली न्यूज़ जो हमें पढ़नी है, वो है क्रॉप शॉर्टेज कुड एक्सेरिबेट इन्फ्लेशन फॉलोइंग एमएसपी इंक्रीजेज, है ना। जो क्रॉप शॉर्टेज होगा वो इन्फ्लेशन को थोड़ा मतलब बढ़ाएगा। द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑफ द 5-11% इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर अ फार्म प्रोड्यूस विल बी एन एडिशनल फैक्टर टू RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, है ना, टू कंसिडर इज इन बायो मंथली पॉलिसी रिव्यू टू बी एन अनाउंस बाय थर्सडे। इसका मतलब है कि ये जो MSP यदि हम बढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है कि महंगाई बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यदि सरकार 10 रुपये के जगह में 12 रुपये में खरीद रही है, या तो ये 20% इंक्रीज हुआ तो 12 रुपये पे यदि खरीदेगी सरकार तो लोकल प्लेयर या जो निजी खिलाड़ी हैं वो हो सकता है 15 रुपये खरीदे। तो पहले 10 रुपये जब सरकार खरीदती थी तो 12 रुपये या 13 रुपये वो खरीदते होंगे, यदि अब 12 रुपये सरकार खरीदेगी तो 15 रुपये खरीदेंगे। इसका मतलब है लगभग 20% के करीब महंगाई इन चीज़ों पे, कुछ चीज़ों पे आ सकती है, जो ओवरऑल 5-11% महंगाई दर बना सकती है। तो इस पे भी चिंता जताई गई है, आप इसे पूरा पढ़ लें, है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।